यूक्रेन के साथ डेढ़ महीने से ज्यादा से युद्ध में उलझा रूस कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा है। रूस ने अब भारत से और मेडिकल इक्विपमेंट की मांग की है। भारत में मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों और रूसी कंपनियों के बीच 22 अप्रैल को वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें मेडिकल सामानों की खरीद को लेकर बातचीत की जाएगी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ के मुताबिक दोनों देशों के ट्रेड ग्रुप मेडिकल इक्विपमेंट के आयात निर्यात और एक्सचेंज मीडियम करेंसी को लेकर चर्चा करेंगे। बताते चले कि यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बाद से रूस के खिलाफ अमेरिका और उसके साथी यूरोपीय देशों ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसके बाद से किसी भी व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर में रूस किसी भी देश से कोई लेन देन नहीं कर पा रहा है। वहीं भारत हमेशा से खुली विदेश नीति पर चलता रहा है। रूस भारत को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेच रहा है, जिससे अमेरिका नाराज है। अमेरिका गाहे बगाहे चेतावनी देता रहा है कि रूस की मदद करने वाले देशों को भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आए बिना रूस से लगातार व्यापारिक समझौते किए जा रहा है। युद्ध की इस घड़ी में भारत रूस के बाजार का बेताज बादशाह बना हुआ है। उम्मीद है कि भारत इस साल 2 बिलियन रुपये के सामान का निर्यात रूस को करेगा। वहीं यूक्रेन के हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस के साथ व्यापार बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने अपनी सीमा में घुसने वाले रूसी जहाजों को भी जब्त करना शुरू कर दिया है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत की तरफ मदद की आस लगाए देख रहे हैं।